हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम बाजा, आप सबका स्वागत करता हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कंप्यूटर को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम मेमोरी की श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज के वीडियो में कैश मेमोरी पढ़ेंगे। कैश मेमोरी क्या होता है, किस प्रकार कार्य करती है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। अगर आपने हमारी अन्य क्लासें नहीं देखी हैं, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं जानता हूँ आपकी लाइफ में आपके जीवन का समय बहुत कीमती है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं यह क्लास। सबसे पहले होता है कैश मेमोरी क्या है। आप देख सकते हैं कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी है। CPU और RAM के बीच डेटा को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी में फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है, जिसमें CPU तेज गति से कार्य करता है। कैश मेमोरी को CPU और RAM के बीच लगा देते हैं, जिससे CPU को भी डेटा प्रोसेस करता है वह कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। CPU कैश मेमोरी में प्राप्त डाटा प्राप्त करने की कोशिश करता है, अगर उसे डाटा मिल जाए तुरंत एक्सेस कर देता है। अगर कैश मेमोरी में CPU को डाटा नहीं मिलता है, तो वह RAM से डाटा को प्राप्त करता है और फिर एक्सेस करता है। आप ये हमारा चित्र देख सकते हैं, ये हमारा चित्र देख रहे हैं, हमारा CPU है और ये RAM है, जिस प्रकार हमने नीचे पढ़ा है। CPU और RAM के बीच डेटा ट्रांसफर करने का कार्य ये CPU और ये RAM, इसके जो डाटा ट्रांसफर करने का कार्य कर रहा हो कर रही हमारी कैश मेमोरी। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला कैश मेमोरी की विशेषता क्या क्या है। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से भी अधिक फास्ट होती है। इसमें डेटा टेम्परली स्टोर होता है, इसमें जो डाटा होता है वह अस्थायी रूप से सेव रहता है। इसकी क्षमता सीमित होती है, रैम और रोम से भी कम। इसकी जो क्षमता होती है वो कम होती है, जिस प्रकार रैम की क्षमता रोम की क्षमता होती है, उससे भी कम कैश मेमोरी की क्षमता होती है। ये केवल उसी डेटा को स्टोर करता है जिसे कम समय में प्रोसेस करना होता है, और लिमिटेड डेटा स्टोरेज होने के बाद भी ये कॉस्टली होती है। इसमें स्टोरेज क्षमता कम होती है, फिर भी ये मेमोरी होती है कीमत में अधिक कॉस्टली होती है। अगला कैश मेमोरी के प्रकार। कैश मेमोरी के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। फिलहाल Level 1 कैश, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। Level 1 की कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी का आकार छोटा होता है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। यह मेमोरी CPU के अंदर मौजूद होती है, जो काफी कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। इस मेमोरी का आकार 2KB से 64KB तक होता है। CPU को जब भी डेटा की जरूरत होती है, तो वह सबसे पहले इस डेटा को Level 1 सर्च कैश से ही चेक करता है। यदि डेटा CPU को Level 1 कैश में मिल जाता है, तो बाकी लेवल चेक नहीं करता है, यह L1 कैश भी करते हैं। अगला Level 2 कैश। Level 2 कैश मेमोरी भी CPU के अंदर और बाहर कहीं भी मौजूद हो सकती है। कैश मेमोरी Level 1 कैश मेमोरी साइज में थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड भी मेमोरी से थोड़ी कम होती है। इस मेमोरी का साइज 256KB से 512KB तक होता है। Level 2 कैश को L2 कैश भी कहते हैं। अगला तीसरा प्रकार, Level 3 कैश। Level 3 कैश मेमोरी सभी CPU में मौजूद नहीं होती है, कुछ हाई एंड CPU में ही इस प्रकार की कैश मेमोरी हो सकता है। ये साइज में L1 कैश और L2 कैश से थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड L1 और L2 कैश मेमोरी से थोड़ी कम होती है। इस मेमोरी का साइज 1MB से 8MB तक होता है। L3 कैश मेमोरी का इस्तेमाल L1 कैश और L2 कैश की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। Level 3 कैश को L3 कैश भी कहते हैं। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए, हमें आवाज की परेशानी हो रही थी, इसलिए हमने एक माइक भी मंगवा लिया है। आशा करता हूं आप जल्दी जल्दी हमें सपोर्ट करेंगे व हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को आप अच्छे तरह से देखेंगे व कंप्यूटर सीखेंगे। कोई परेशानी वगैरह होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमसे बात कर सकते हैं, और हमारी मेल ID पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार रहता है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
हेलो दोस्तों, इस चैनल पर हम कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाते हैं, निशुल्क और सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए।